maga pamada pare re ga madani sa ni ni da pare kar ne da ni re ga madani sa ye ri ale ne re ga ma pare ga madani sa ma madani sa ni ni da pare kar sa ne re ga madani sa ni madani sa ni madani sa ye ri ale नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि एक से लेके पांच तक की गिनती से तू जब जब मुझको पुकारे, ये जो गाना है इसको हम आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पांच सुर कौन से हैं वो, और वो अगर हम पूरा जो सॉन्ग है अस्थाई अंतरा दोनों इन पांच सुरों के अंदर बज जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, तीन और दो काली काली का सेट लेना है, बस ऊपर की तीन ऊपर की दो, चाहे आप यहां से बजा लीजिए ये स्केल रहेगा, चाहे आप यहां से बजा लीजिए, चाहे आप यहां से बजा लीजिए। मैं आपको प्ले करके बताता हूं, पहले पूरा गाना अस्थाई अंतरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में जिन लोगों को चाहिए उनके लिए मैंने ये मतलब कि किस प्रकार से चलेगा वो भी मैंने यहाँ पर एक आपको नंबरिंग का कंसेप्ट दिया है, बाकी आप वैसे भी समझ जाएंगे। जिनको चाहिए, मैं आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा इजी ये रहेगा, और नहीं तो मैं इसको कम्युनिटी बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पर भी इसका पिक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अस्थाई पार्ट, और उसके बाद में ये अंतरा का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्ले करके बताता हूं, ये अस्थाई है। शुरुआत होती है ये धरती चांद सितारे, ठीक है। तो इसमें जो ये वाली चीज है और तू जब जब मुझको पुकारे, दोनों सेम ही हैं। ये धरती चांद सितारे, ये नदियां पवन घटारे, यही चीज है। तू जब जब मुझको पुकारे, दोनों सेम है लेकिन उसको स्लोली बोला जाता है, ये थोड़ा बीट के साथ फास्ट चलता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, समझ में आएगा। अस्थाई का पार्ट हो गया। अंतरा पे आते हैं, देखा आपने। तो मैंने इस पांच सुर के अलावा कोई छठा सुर है वो कण भी नहीं लिया है, पूरा इसी में प्ले हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें बिल्कुल स्लोली आप समझिए, अस्थाई और अंतरा दोनों की शुरुआत यहीं से हो रही है। अगली लाइन सेम है,
अस्थाई पार्ट है। अब इसमें देखिए, मैं आपको जो नोटेशन बता रहा हूं इसमें देखिए क्या है, बिल्कुल स्लोली, तू जब जब मुझको पुकारे, तो ये पांच बटन आपको दिख रहे हैं, ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 1 2 3 4 5, इसी तरीके से हमको इनका नंबरिंग करना है और ये पांच से शुरू करना है, 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5, ठीक है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 5 4 5 4 3 4 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 और जो यहां पर जो जल्दी बोलना है एक साथ बोलना है वो मैंने इस प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2, और अगली जो लाइन है, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ जाऊं नदिया किनारे, उसके बाद में अगला पैटर्न भी एक जैसा चलता है, और फिर उसके बाद में नीचे वाला, मुझे आंखों में बसा ले मुझे सीने से लगा ले, तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार लगाया हुआ है, मुझे आंखों में बसा ले, और ये स्टार वाला जो है मैं लिखना भूल गया था अगली लाइन, तो ये स्टार जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ये स्टार आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है, तो ये चीज मैंने अगली लाइन यहाँ पे लिख दी है, थोड़ा कन्फ्यूज आप मत हो जाना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगली जो लाइन है, मुझे आंखों में बसा ले, 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3, मुझे आंखों में बसा ले, और मुझे सीने में लगा ले, यहां मुझे सीने से लगा ले, 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2, ठीक है। मेरे भोले साथिया, 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3, तुझे दिल दे दिया, तुझे दिल 3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 3 2 2 3 2 1, तेरा दिल ले लिया, 1 1 2 3 4 3 2 2 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये अस्थाई बताया, और उसी प्रकार से इसकी अंतरा का पैटर्न है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से आप उतार लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, बाकी कुछ भी है एक बार आपको जरूर ये 1 2 3 4 5 का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो हारमोनियम कभी सीखते नहीं है, बस चाहते हैं कि ये गाना मैं बजा लूँ, तो उनके लिए है ये 1 2 3 4 5 का कॉन्सेप्ट, आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो लोग जानते हैं बस वो यही कर सकते हैं कि बस ये पांच बटन है, यहीं से पूरा बज जाएगा, आगे अगले ऑक्टेव में आप बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, धन्यवाद।